हेलो फखर बेटा, कैसे हो? अस्सलाम आंटी, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और घर में सब खैरियत है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। जी अच्छी बात है बेटा, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा बहुत जी चाह रहा था तुम दोनों से मिलने का बेटा, पता नहीं क्यों आज सुबह से यही लग रहा था कि तुम दोनों जरूर आओगे। तो आंटी, आप कॉल कर देती ना, मैं मिलने आ जाता आपसे। बेटा सोचा तो यही था, कुछ देर पहले ही ईमान को फोन भी कर रही थी लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। सारा दिन मसरूफ रहती है क्या? अभी भी मसरूफ होगी ना? जी आंटी, वो मसरूफ है, फ्री होती है ना, मैं उसे कह दूंगा कि आप कॉल बैक कर लें। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा आंटी, मेरी कॉल आ रही है, आपसे थोड़ी देर में बात करूं? अपना बहुत ख्याल रखना और ईमान को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मत हो, अगर गया तो है फोन करने, अभी पता चल जाएगा। हाँ बेटा, कुछ पता चला ईमान का? नहीं, वो अपनी अम्मी के घर भी नहीं है। तो फिर कहाँ जा सकती है? आई डोंट नो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ईमान हॉस्पिटल में है। तो हमें फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये पहले ही खदशा था कि खुदा ना खास्ता वो किसी मुसीबत में ना हो। जी वहीं पे जा रहा हूँ मैं, चलता हूँ तुम्हारे साथ। डैड आप क्या करेंगे जाके? आप घर पे रुके, अगर वहाँ ज़रूरत हुई तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। बस अभी तो ये दुआ करेंगे जो हम सोच रहे हैं वैसा कुछ ना हो और वो खैरियत से हो। चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उस्मान मुख्तार है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू AIY डिजिटल्स यूट्यूब चैनल टू व्हाट्स इन फेहान।